हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 2 पे -2 पावर है, माइनस मझला कोष्टक -2 पे -3 माइनस छोटा कोष्टक और 2 पे -2 -3 पे -2 छोटा कोष्टक बंद और मझला कोष्टक बंद। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं इसमें आपको डिटेल में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे यक्ष इस पर जब माइनस पावर होता है तो माइनस पावर को प्लस बनाने के लिए सिर्फ इसे नीचे भेज दीजिए और इस पर 1 कर दीजिए, तो ये माइनस, यानी कहने का मतलब माइनस जो पावर है उसको प्लस बनाने के लिए उसके नीचे भेजिए। जैसे 2 पे -2 पावर है, इसको प्लस बनाने कैसे बनाएंगे, 2 पे 2 कर दीजिए, ये प्लस पावर बन गया। तो इसी तरह का इसमें यहाँ पे सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे पहले इसको भिन्न के रूप, यहाँ से जो माइनस चिन्ह है इसको प्लस में बना लीजिए, चाहे छोटा कोष्टक हो चाहे मझला कोई भी हो। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 पे 2 लिख सकते हैं, प्लस पावर हो जाएगा माइनस मझला कोष्टक माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस पावर है तो इसको भी प्लस बनाने के लिए नीचे भेजेंगे इसको, ठीक। और माइनस, देखिए यहाँ पे जब माइनस पावर है तो प्लस बनाने के लिए इसको भी नीचे भेजेंगे, 2 पे 2 हो जाएगा, -1/3 पे 2 हो जाएगा। देखिए सब प्लस पावर हो गए। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको बस यहाँ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसको पहले आप देखिए, जैसे 2 पे 2 पावर है तो इसका अर्थ होता है 2 × 2 यानी कि 2 × 2 = 4 होगा, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस मझला कोष्टक माइनस 1/2 पे 3 का मान कितना होगा, 2 पे 3, देखिए 2 पे 3 का मान होता है कि 2 × 2 2 × 2 = 4 × 8 होगा, यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस छोटा कोष्टक 1/2 पे 2 का पावर बताएं कितना होगा, 1/4 होगा, माइनस 1/3 पे 2 का पावर तितली के 9 हो जाएगा, मझला कोष्टक बंद। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से अब कोष्टक को तोड़ लीजिए, पहले यहाँ पे सार मत कीजिए, पहले कोष्टक को एक जगह तोड़ के लिखिए। देखिए 1/4 माइनस, देखिए मझला कोष्टक माइनस 1/8, देखिए जब कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल देते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऋण का है तो यहाँ का अंदर का चिन्ह बदलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह है, धन का, यहाँ पे धन छिपा होता है ना, तो धन है तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जब कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल देते हैं, जो माइनस होता है उसको प्लस बनाते हैं, प्लस को माइनस बनाते हैं, मझला कोष्टक बंद कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि 1/4 लिख लीजिए, जब कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अभी बताए हैं, तो देखिए माइनस है तो +1/8 होगा, ये माइनस है +1/4 होगा, ये प्लस है तो -1/9 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब ये भिन्न का जोड़ घटाना हो गया, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब क्या करते हैं कि हर, जैसे यहाँ पे देखिए हर को, हर का लघुत्तम समापवर्तक यानी 4, 8, 4, 9 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। देखिए 4, 8, 4, 9 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, ठीक, लघुत्तम समापवर्तक निकालना आता होगा आप सभी को। देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 9 नहीं कटेगा, फिर 2 से 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 9, फिर 2 से 1, 2 × 2 = 1 हो जाएगा, ये 9 नहीं कटेगा, 9 उतरेगा। अब 3 से कटाइए इसको, ठीक है, देखिए 1, 1, 1 तितली के 9, अब 3 से कटेगा 1, 1, 1, 1, देखिए ये हो गया आपका लघुत्तम समापवर्तक, इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कितने बार कटा है, देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72 यानी 24 × 3 = 72 होगा, 72 लिख लीजिए। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, 4 को 72 में भाग दीजिए और जितना आता है इसके अंश में गुणा करते हैं, जब 4 को 72 में देंगे तो कितने बार कटेगा, आपका 4 को 72 में दे दीजिए, देखिए यहाँ पे दे के बताते हैं आपको। देखिए 4 × 4 = 7, 4 × 3 = 2, 4 × 8 = 32 यानी कि कितने बार कटा है आपका, 18 बार में, ये 18 × 1 में कीजिए, 18 × 18 हो जाएगा प्लस। अब 8 को 72 में दीजिए तो 8 × 9 = 72, 9 बार, 9 × 9 हो जाएगा प्लस। 4 को अभी 72 में दिए, कितने बार में गया है, 8 बार में, देखिए यहाँ आपका 4 को दिए हैं, 4 को 72 में तो आया कितना, 18 बार, यानी कि 18 × 18 होगा माइनस 9 को 72 में देंगे, 9 × 8 = 72 होगा, यानी कि 9 × 9। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए धन धन आपस में जोड़ दीजिए, धन धन कौन सा है, धन ये, धन ये, धन ये, तो आपस में 18 18 को जोड़िए, कितना 18 18 = 36 हो जाएगा,
यहाँ प्लस 9 लिखिए और माइनस 9 लिखिए, अब हटा के 72 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए आपका 36 है, प्लस 9 है माइनस 9 है, तो 9 में से 9 हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 लिख लीजिए, बदला के 72 लिखिए। अब 36 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 36 ही होगा, अब हटा के 72, ठीक। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया फ्रेंड्स इस प्रश्न का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के जो कोष्टक वाले सवाल होते हैं इस तरीके से लगाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।